तो आप समझिए कि ये जो आप मामूली सा हरा निशान देख रहे हैं, ये काफी गिरावट से बाजार उभर कर ऊपर आया। ठीक है, तो बाजार का तो समझ में आ गया कि हल्की सी शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें जी, तो उसमें जो ये आप करीब 800 अंकों का इंट्राडे गेन बता रहे हैं, इसके पीछे कुछ अलग कारण या? जी एक्चुअली विपिन जी, क्या होता है, जो अकलमंद ट्रेडर होता है पहले वो काम कर लेता है, उसके बाद कारण ढूंढता है। देखिए, ये सब टेक्निकल बाउंस बैक्स हैं, इनमें कोई फंडामेंटल स्ट्रेंथ या फंडामेंटल वीकनेस नहीं है। ओके, मतलब हम ये कहें कि बाजार चार दिन गिर गया, ये कमजोर था, ये हमें कमजोर बाद में लगता है। ओके, तो क्योंकि कोई कारण नहीं है बाजार को ऊपर रहने का, तो सामने वाला ट्रेडर बेच के ही चलता है। ओके, आप इस तरीके से इसको समझिए जी। अगर आपको एक ओवरऑल इवेंट, पूरे सेंटिमेंट को ना सिर्फ भारतवर्ष के, पूरी दुनिया के इम्पैक्ट करती हुई दिख रही है, तो कहां से बाजार उठेगा जी और क्यों उठेगा? राइट, उम्मीद और आप समझिए हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। हम सब चाहते हैं कि बाजार बढ़ता रहे, 18,400 के पार निकले जी, लेकिन ऐसा होता नहीं अक्सर। जब तक ये समस्या रहती है ओवरऑल थीम की, आप देखिए उसके बाद यूएस फेडरल रिजर्व की भी मीटिंग होनी है मार्च में, तो आपको पता है कि ये साइडवेज ही रहना जी, जी। अब लेकिन ये है कि क्या कीजिए दिन भर ये हकीकत जी, है ब्रोकरेज इसको खर्चे निकालने सही बात है। तो क्या होता है, वो टेक्निकल लेवल्स के बीच में ऊपर नीचे होता रहता है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स का बाजार है। Okay, आप देख ही रहे हैं कि कोई रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं है, और आप यहाँ पर काफी लो कारोबार देख रहे हैं, ना गिरने में वॉल्यूम है ना बढ़ने में वॉल्यूम है। तो ये ढुलमुल जो रवैया है, एक तो फेड वाला इवेंट है, चलिए वो तो मार्च तक गया, लेकिन गुरुवार तक हम माने कि लगभग ऐसी चाल रहेगी। जब आपने कहा दो बड़ी चीजें, एक हमारी एक्सपायरी और दूसरा ये जो भी नाटो और यूक्रेन अमेरिका की बातें हैं। बिल्कुल, फरवरी की एक्सपायरी भारतीय बाजारों के लिए काफी परेशानी का सबब लेके आई है। बहुत वीकनेस आपने आईटी में देखी, क्योंकि नैस्टैक में खासी पिटाई हुई है। कई चार्ट्स विपिन जी, जो फ्रंटलाइन काउंटर्स के हैं, जैसे एचडीएफसी खासकर, वो बिल्कुल आप समझिए मतलब फ्रैक्चर शायद ठीक शब्द नहीं है, लेकिन उसमें मामूली से क्रैक्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो एक हम लोगों ने रैली देखी है सन 2021 में, वो अब थोड़ा बाजार डाइजेस्ट करता हुआ दिख रहा है। ये तब है जब आपने बहुत जबरदस्त तिमाही नतीजे देखे, बहुत ही बढ़िया तिमाही नतीजे, जिन्हें कहना चाहिए। एक आध दो सेक्टर को आप छोड़ दें, जैसे एफएमसीजी, तो आपने अलावा उसके बहुत अच्छे नतीजे देखे। लेकिन अभी स्टॉक प्राइस और नतीजे विपरीत